ਹਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਸਲ ਵਾਲਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਤਬਾਨੀ ਰਿਐਕਟਸ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 60% ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 60% ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ 40% ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੈਂਟਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵਾਇਆ ਈਮੇਲ ਤੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ ਬਟ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਗਤਬਾਜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ नकाबे रुख उठाया जा रहा है वतन कैसे चलाया जा रहा है फकत मांगी थी हमने पूरी बिजली तो बिजली बम गिराया जा रहा है लोड शेडिंग है तड़पा रही फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी बस चौधरी साहब सोने बोल रहे हैं ना स्मार्ट बोल रहे हैं वेरी स्मार्ट पर्सन देखते हैं सुनते कानो और धड़कते दिलो आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम हालचाल हैं जी कैसे हैं भाई आप कैसे हैं आप तो नजर ही नहीं आए किधर हैं रुखमा ने हमारी दावत की थी आप अपनी फैमिली में नजर अच्छा माशाल्लाह गए थे किस खुशी में इनके दादा अबू की सालगिरह थी 164 और अंदर गए थे दादा जी ना कोई कागज से कुछ लिख रहे थे मैं कह रुखमा है कि करन देने कहते मैट्रिक की तैयारी मैंने वे के दादा जी खंगना शुरू हो गए मैं कह खंग क्यों रहे ने कहते खंग नहीं रहे खंग फू दी प्रैक्टिस खंग फू दी बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हुई है एक्ट्रेस अनुषा अली बड़ी छोटी उम्र की मॉडल है कोई है ना और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान द वन एंड द ओनली जनाब अमानत चंद अमानत चंद साहब क्या बात माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान तशरीफ लाए हैं जी और शेर भी मैं बड़े प्यारा लाया कोशिश की है सर अच्छा वाह जी वाह नीले नीले आसमां पे स्लेटी बादल छा गए स्लेटी बादल वे वाह झीलों से उठा के पानी शहरों पे बरसा गए हैं सब्ज पत्ते चमके तो सितारे भी जगमगा गए हैं हालात के मारे उदास चेहरे मुस्कुरा गए हैं क्योंकि आज मजाक रात में अनुषा जी और अमानत चंद साहब आ गए मैं क्या बात है अरे पानी भी चाय भी जबरदस्त मेरा शेर है बदतमीजी ना समझना मैं पहले सॉरी करना कि शेर है पहले तुम शेर शुरू सुनाना ने मैंने पता तुम बाद जुगता ही करनी है काले रंग दी ते गल ही कोनी दिल दा काला वारे नहीं वाह 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 ये गल है ये गल तेनू दाद दवां या तेरे ते केस करा सामने वो मुड़ा है कैसे तुमने उर्दू शुरू की ना मैं लगा मेरा पके जाता
सामने वो मुड़ा है जो उसने बजाया वो तबले का पुड़ा है। पेट्रोल 250 का लीटर हो गया चंद साहब, ये सोच के भी आपका रंग नहीं उड़ा। भूषण जी आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक। आप खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं, आपने शो देखा हुआ है? जी जी बिल्कुल देखा। तो आपको अंदाजा है? जी। अब हाँ, इसीलिए सुन रही हूँ पंजाबी, मुझे थोड़ी सी मेरी वीक है। अच्छा, आपको पंजाबी समझ आ रही है? नहीं, समझ आती है। आप भी काफी वीक हैं। आपको समझ आ रही है ना? जी जी आती है। ये है कौन, इमिग्रेशन वाले हैं? इमिग्रेशन वाले जी, आप अनुषा से बात कर रहे हैं? मैंने इंटरफेयर किया। हाँ नहीं, खैर बीच में मैं कभी कभी इंग्लिश फिगरा बोल देता हूँ, बुरा तो नहीं? कहीं भी बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं। टोल पला दे नौकर वर्गा। मुझे पता है जूते का नहीं, मैंने कहा मैं पहले कर पहला हमला बोल दूं। काफी फासले थे ना, लेकिन फिर भी ये तो तक सेक आ रहे हैं। वाकई सेक आ रहे हैं यार, इतनी महंगाई है, शुक्र कर तेन कुछ ना कुछ। मैं आपके भरोसे पे आया हूँ, मुझे इनका नहीं इतबार है। वैड़ा लिया है, वैड़ा चोरी हो गया। अच्छा, उसे थाने गया, थाने जा कहता जी मेरा 2 लाख का वैड़ा चोरी हो गया। ठीक है, थानेदार ने कहा अल्लाह दे बंदे कोई सबूत लिया, घरों पट्ठे चुके लै गया। बताएं, आप जब आ रही थी तो आपको अंदाजा था कि आपकी मुलाकात इनसे होगी और आपसे गेस्ट ये हैं? नहीं, मुझे बता दिया। और आपने देखा हुआ है पहले अमानत चंद साहब को टीवी पे? जी जी बिल्कुल देखा हुआ है। सो यू हैड एन आइडिया कि आप जा रही हैं और आगे आपको क्या मिलेगा? बहुत बड़ा शहर है हमारा मुल्क का कराची। तू कराची देखे? जी जी। नहीं, तेन ख्याल नहीं है समुद्र से फिर दे? किस चीज का ख्याल? वही छपड़ा चो डौले कढ़ने वाले यार। मैं तो गया था 1987 में। 1987? Yes, yes, absolutely right. इंग्लिश मैंने बोली थोड़ी। चंद साहब इसको तो 33-34 साल गुजर चुके हैं। बात कोई बात नहीं। जी जी नहीं, कोई बात ही नहीं। आप जितने मर्जी गुजर जाए कोई नहीं। नहीं, मगर आप दोबारा क्यों नहीं? दोबारा मैं खुद बिजी हो गया ना, 34 साल बिजी रहे। 88 में मैं फील्ड में आ गया। ठीक है, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं आज तक। मगर आप तो वैसे इतना ट्रेवल करते रहते हैं, तो कराची जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ? उधर एक तो थिएटर नहीं होता, और एक घूमने के लिए चला जाता है इंसान। घूमने के लिए बताया ना, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं कोई ना वेला थोड़ी का। साले समुद्र पे गए थे? गया था। अच्छा, वहाँ पे वो जो ऊंट वगैरह पे लोग बैठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं? सच्ची बताऊँ? सच्ची सच्ची, मैं डर गया था। वो घोड़े पे बैठते हैं ना? हाँ जी। तो वो घोड़ा लेके जाते हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं, एकदम छोड़ा ना उसने। हाँ, तो वो घोड़ा भागा। आप घोड़े के ऊपर थे? हाँ, और घोड़ा आपको लेके भाग गया? और क्या, घोड़ा मेरे ऊपर था। मैं घोड़े के ऊपर था। अच्छा, तो एकदम वो भागा ना पीछे मुड़ के। तो किसी का कुलिया मुझे याद था, मैंने उसकी ना गर्दन को पकड़ लिया, घोड़े की गर्दन को। फिर मैं गिरा ही नहीं। और घोड़े ने क्या कहा? घोड़ा उल्टियां करता रहे। मुझे इंडियन फिल्म देख के हुआ था। अच्छा, इंडियन गाने। और कोई आपकी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस थे? हाँ, ऐश्वर्या राय। ठीक है। हाँ, और देवदास टाइप की ऐसी मूवीज देख के। देवदास टाइप लग भी रही है, कर सकते जैसे वो हीरो मनमोहन हीरमन कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पे जिम्मेदारी है। तो बोल लेती। चलो मेहरबानी, आप कहें अमानत चंद मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अमानत चंद साहब मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है। शौक रहा है? नहीं, इतना जेन नहीं है मेरा। अच्छा, वैसे आपको शेर व शायरी सुनने का शौक है या वो भी नहीं?
हमने सुना तो ज्यादातर गानों में सॉन्ग में या इस तरह अच्छा गानों वगैरह पोएट्री पसंद है वैसे हां तो ये अपना अनुशाली उधर से आई तो रुखमा जी भी इनसे बात करें ना रुखमा जी आप प्लीज बात करें किसी का दबाव है तो बताओ मुझे आपसे पूछना था आप कॉमेडी में इंटरेस्टेड हैं थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं मुझे लगता है मैं सीरियस ज्यादा अच्छा कर सकती हूं अपना उनका नंबर ले ले टेलीफोन पे ये बातें कर लेना बातें कहते हैं बुरी बात है हाँ। किधर है गार्ड किधर है नकाब होना था तभी खाना खराब होना था दूध खाने से शहद भी असली नहीं हाँ एक दिन नयाब होना था तुम जो दे पाते कुछ राया को वक्त पर इंतखाब होना था हाँ जी हाँ जी आ डाउन टू अर्थ हो जमीन में करंट होना चाहिए जल्दी जल्दी छोटा सा ब्यूटीफुल होना जरूरी है तो हमारे चंद साहब से बात कर हेलो ए आई ये जो ओ मेनू ले ही बन जी सजना ना बजा बजा मेरे को 125 ए चलो जी गाइस बेहतरीन वीडियो करना शुरू करनी गलत करो मजा आ गया देख के गाइस वीडियो बहुत बेहतरीन थी मतलब जो उन्होंने जिद्दा वीडियो का आगाज किया उन्होंने बोले ही नहीं जो मॉडल से ना अच्छा जेड़ा बिच रह गया ना सेकंड पार्ट नेक्स्ट शुरू हो चुका सेगमेंट और भी आप जो सा है क्लिप तो आप जो वीडियो जरूर बनावे तो अमानत चंद साहब ने यार क्या आगाज किया वीडियो का उन्होंने आंदे ही ना सबन फड़ लिया उन्होंने इन्होंने आंदे मेरे करनी जुगत उन्होंने आंदे ही ना सारे फड़ ले तो उन्होंने फिर अपने एंकर भी नहीं छे ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਵਰਗੀ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਮੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਰ ਸੁਪਰ ਔਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ बड़ा दिल खुश हुंदा बड़ा मन खुश हुंदा जिदा तुसीं सारे कहंदे हो कि तुहानूं साडे नाल वीडियो देख के इंज लगदा कि तुसीं साडे नाल बह के देख रहे हो सानू भी यह वीडियो देख के लग रहा है कि असी पार्ट ऑफ द शो ही है गया उधर ऑडियंस दे विच बैठ के असी देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हो तुसी सानू देख के अपना स्ट्रेस बस कर दे हो असी ये देख के स्ट्रेस बस कर दे ते पॉजिटिव एनर्जी है वो बस एक सर्कुलेट हो रही है हुंदी रहनी चाहिए है जिदा वो सानू देंदे है असी तुहाडे तक भेज देंदे हुण तुहाडा फर्ज है तुसी भी ये पॉजिटिव अगे एनर्जी अगे किसी तक पहुंचानी है ते अगे किसी नूं खुश करना ताकि ये जिहड़ा सर्कल है ये बन जावे ते एक लोकी जिहड़े उदास फिरदे ने एल उहनां दे चेहरियां ते एक मुस्कान बनी रहे ते सारे हसदे खेडदे रहे ते दुनिया जिन्नी माड़ी हो चुकी है उच्च थोड़ी जी एक जगह अच्छे बन लई भी बन जावे यार बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही गल ते उम्मीद करदे आ गाइस के जिद्दां कि हास्या नाल भरपूर ए वीडियो असीं इंजॉय कीती ओदा ही तुसीं भी इंजॉय करोगे ते जे तुसीं ए वीडियो इंजॉय कीती जिन्हें मर्जी लाइक कर सकते हो लाइक करो जिन्हें मर्जी कमेंट कर सकते हो करो जिन्ना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उन्ना सानू प्यार मिलेगा ते असी छेती छेती अपना टारगेट पूरा करना है गाइस तुहाडे सपोर्ट नाल ही ओ मुमकिन है ते अपना सपोर्ट साडे चैनल ते साडे सिरा ते बनाए रखो सानू एदा ही प्यार दिंदे रहो खुश रहो सेहतमंद रहो तंदुरुस्त रहो लैके हाजिर होने अगली वीडियो जी ते तद तक लई सत श्री अकाल ते खुदा हाफिज़